नच बलिए सीजन 9 की चहेती जोड़ी शांतनु और नित्यामी का देखने को मिला पेट प्रेम। आज ये पहुँचे हैं पपी कडल्स कैफे में, जहाँ इन्हें मिले इनके ढेर सारे दोस्त, जिनके साथ शांतनु और नित्यामी ने की मस्ती और साथ ही इन प्यारे दोस्तों के साथ बांटा ढेर सारा प्यार। हम आए हैं अलग वे में दिवाली सेलिब्रेट करने, यहाँ पपी कडल्स में, जहाँ पर बहुत सारे डॉग्स हैं, पपीज हैं, अलग अलग ब्रीड्स हैं, आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्यार है। आई मीन अगर आप उदास हैं, अगर आप बेबस हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, तो प्लीज़ आके यहाँ पर कुछ टाइम बिताइए एंड आप का जो सारा प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगी, एटलीस्ट मेंटली तो सॉल्व हो जाएगी। आई थिंक हम दोनों एनिमल्स को लव करते हैं। शांतनु के पास ही हैजंट हैड अ पेट, बट फिर भी ही लव्स एनिमल्स एंड आई लव दैट। एंड मुझे तो बचपन से ही, लाइक आई हैव ऑलवेज लव एनिमल्स। मेरे पास एक डॉग भी था एंड आई जस्ट फील लाइक एनिमल्स, फिश भी थी, एक किटन भी थी एक्चुअली, बट आई फील लाइक एनिमल्स कुछ तो है उनमें, इतना सारा प्यार, प्योर लव एक्चुअली, या जस्ट प्योर लव एंड दिस स्ट्रेस रिलीवर्स और रिहर्सल्स के बीच में एंड कभी-कभार जो यू नो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट में इतना स्ट्रेस हो जाता है अगर हर वीक में आपको इतने दो एक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, व्हाटएवर इतने बाकी आपके अलग काम चलते रहते हैं, तो उस बीच में आई डोंट नो शी केम अप विद दिस आइडिया कि हां ऐसी जगह जाएंगे तो मजा आएगा, लाइक ओके ठीक है ट्राई करते हैं, आई नो ही लाइक्स डॉग्स टू, सो या आई मीन चलो एक्चुअली इनको प्यार देने की जरूरत नहीं, इनसे बस प्यार मिल सकता है, आप दो चाहे नहीं दो तो भी बाय डिफॉल्ट आपको प्यार करते ही हैं, सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट, दैट्स व्हाई आई सेड इट्स प्योर लव, इट्स जस्ट प्योर लव दैट दे थ्राइव ऑन, सो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, इट्स सो पॉजिटिव, इट्स इट फील्स सो रिफ्रेशिंग। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आई थिंक वी न्यू आने से पहले ही कि अच्छा ही होगा, आई थिंक इनके साथ आई मीन जितना प्यार मिलता है, जितना आई डोंट नो जस्ट एंजॉयमेंट। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैं अब दिखाना चाहूँगा, देयर इज नो थेरेपिस्ट इन द वर्ल्ड लाइक अ पपी लिकिंग योर फेस, एंड ये बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है, आई डोंट थिंक वो जो थेरेपी मिलेगी आपको वो किसी और से मिल सकती है। Dog, the only members of your family you actually like, such in a lot of cases. So yes, I mean it's a very refreshing place. Seriously, बहुत ज़्यादा refreshing feel होता है यहाँ पर आकर। I think सबको आना चाहिए। And सबको आना चाहिए। बिल्कुल। Yeah. I think it's very और बहुत अच्छे से care भी किया हुआ, ऐसा नहीं है कि जस्ट है आप लोगों को खेलना ये करना है, देर आर लॉट ऑफ पीपल टू टेक केयर, हैप्पी डॉगी, हाँ जर्म्स नहीं, वो दे मेक श्योर कि सैनिटाइज कर अंदर लोग आ रहे हैं, यू नो सो एवरीथिंग दैट वे, मैं भी सब जगह देख रही हूँ, हम लोग इसलिए देख रहे हैं बिकॉज कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है, कहीं ना कहीं डर बिल्कुल नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है, पहले लगता था मुझे एक्चुअली, बचपन में बहुत डर लगता था कुत्तों से, बट देन फिर बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली जिनके पास लाइक पेट नहीं है जनरली थोड़े से अनकंफर्टेबल रहते हैं, बट इज नॉट अनकंफर्टेबल, पर वही फिर बाकी फ्रेंड्स लोगों ने जब पेट लेने ले लिए थे उन्होंने और फिर उनके साथ खेलने लगा तो अब ओ वाओ पन पाओ सो आई मीन बहुत अच्छा फिर थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है, नाउ आई जस्ट लव देम बिकॉज या इट्स प्योर लव, यार ये खूब जोरों शोरों से चल रही है, अब इतना आगे आ गए हैं आप लोग के सपोर्ट हैं दुआ से, सो हम भी और भी डबल कर रहे हैं, या डबल मेहनत कर रहे हैं कि आगे बढ़ते रहे, एंड शी इज़ डूइंग अ कमेंडेबल जॉब इन स्पाइट ऑफ इंजरी, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर, जितना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है वो एंड करती जा रही है हर चीज़ से, लड़ते जा रही है, आई थिंक एवरी वीक आई फील हमारे लिए एक्चुअली एवरी वीक एक खुद का ही जंग होता है, एंड इवन आवर कोलैबोरेटर्स लाइक सैन सुभाष कुछ ना कुछ यू नो इनोवेटिव थॉट्स लेकर आ रहे हैं, सो दैट यू नो वी कैन इनकॉर्पोरेट हर इंजरी इन सच अ वे कि वो दिक्कत ना आए, एंड सब लोगों को अच्छा भी लग रहा है, वो उन लोगों को लग रहा है, उन लोगों को भी एक एक्साइटमेंट बनी रहती है कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, सो ऑब्वियसली इट्स हमें भी पुश देता है आई थिंक, एंड यस Thank you.